उसके पास इतनी इतनी क्रीम हो, बिना क्रीम के तो भाई गोल्ड का काम ही नहीं चलता। बिना दुर्गा माता के सब भैया। ये जो दाल है दोस्तों, ये काफी दूर से आ रखी है, ये आ रखी है बद्रीनाथ से, छोटी सी भाटी है। हेलो, कितनी प्यारी है भाई। अभी अभी भक्ति भली भी आ गई है। हेलो, इसका मुंह इतना भयंकर है भाई, क्या बोले। ये पहली बार कैच पकड़। आज की वीडियो की शुरुआत सुबह के 10:30 बजे से हो रही है और बाहर निकलते ही नज़ारे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। मौसम की बात करें दोस्तों, तो मौसम बिल्कुल एकदम साफ, नीट एंड क्लियर है। सामने वाली पहाड़ी में देखिए भाई, बर्फ पड़ रखी है। कल यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई और वहाँ पे सीधे भाई बर्फबारी हुई, और बर्फ देखिए ऐसी चमक रही जैसे चांदी चमक रहा होगा। और सामने है दोस्तों माँ भगवती का सुंदर सा प्यारा सा मंदिर। तो माँ भगवती को प्रणाम करते हुए जय माता दी आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है देशबंधु बोगणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे खूबसूरत गांव धौतरी से। वीडियो की शुरुआत दोस्तों हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। नाश्ता पानी हो गया है बढ़िया करके, नहाना धोना भी हो गया है और कुछ दिनों की छुट्टी लेके मैं फिर से अपने गाँव में आ गया हूँ आपको खूबसूरत ब्लॉग देने के लिए। जो मेरे ब्लॉग रोज देखते होंगे उन सबको पता ही होगा कि कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है, तो उन्हीं कामों में आज कलम सब व्यस्त है। और सुबह सुबह देखिए दोस्तों, गांव का माहौल कुछ ऐसा है, सुनसान सा लग रहा, और सारे लोग वही ग्रांटी रोजगार के काम में चले गए और कुछ लोग अपने कामों में व्यस्त हो गए। और सामने देखिए ये है हमारे गांव वालों के सबके खेत, और बहुत खूबसूरत सी हरियाली छा रखी है आजकल खेतों में, और सारे खेतों में भाई गेहूं की और सरसों की फसल दिखाई दे रही है। और सरसों की फसल में आजकल पीले पीले सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं। और सोचिए दोस्तों, अगर भाई इन सारे खेतों में सरसों की फसल होती तो कितने खूब सूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। और सरसों की फसल में ना ज़्यादा फायदा भी है, गेहूँ बोना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये देखे भाई नीचे पे सबसे ज्यादा ठाड़ तो हमारी छोटी बुली रूपाली के है, मस्त करके लमलेट हो रखी। अरे उसके भाई इतनी इतनी क्रीम, बिना क्रीम के तो भाई गोल्ड का काम ही नहीं चलता। बिना दुर्गा माता के सब भैया, मेरे पे तो क्रीम उसके पास है, 10 रुपए काम पे जा रही है। तो गोल्ड भी मनरेगा का काम कर रही है आजकल। है कितने नोट मिल रहे, मजा आते। यहाँ पे ना माता जी ने भाई राजमा की दाल डाल रखी है सुखाने के लिए, और कुछ ही दिनों में भाई हमारे मेहमानों को ये दाल खिलाई जाएगी। और ये जो दाल है दोस्तों, ये काफी दूर से आ रखी है, ये आ रखी है बद्रीनाथ से। तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त रहते हैं राकेश रावत जी, उन्होंने ये दाल भेजी हुई, तो बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी का। और ये दाल ना उन्होंने मेरे को गिफ्ट करी है। और जितनी ज्यादा हाइट की दाल होगी दोस्तों उतनी ज्यादा टेस्टी होती, तो ये काफी हाइट की दाल है, तो इसका स्वाद ना खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी है। तो चलिए जी, थोड़ी बहुत काम निपटाने हैं मार्केट के, और एक आध कार्ड और हैं लोगों को देने के लिए, तो चलिए ये काम करके भी आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए भाई, एक छोटी सी भाटी है। हेलो, कितनी प्यारी है भाई, इसकी माँ देख रही है वहां से। अरे कार्ड है भाई, कार्ड ले, तेरे को भी दे दिया कार्ड, आ जाना भाई शादी में। इस वाले खेत में दोस्तों लगेगा शादी का टेंट, तो अभी इसकी अच्छे से सफाई भी करनी बाकी है। अब सबसे पहले काम भाई यहाँ पे था, और भाई जी भाई आ ही नहीं रखे। चलो भाई, अपने परम मित्र की दुकान में मैं पहुँच गया हूँ, अनिल राणा जी की दुकान में, और यहाँ पर भाई कुछ और काम मेरा निपटा रहे हैं अनिल राणा जी। तो जो यार दोस्त हैं, कार्ड बांट रहे हैं, कुछ के कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, तो वो कार्ड अभी व्हाट्सअप कर रहे हैं ना जी। तो अनिल राणा जी भाई शादी में ना बहुत सारे हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी का। धन्यवाद। और भाई आधे से ज़्यादा काम यही निपटाएगा भाई बंदा मेरा, क्योंकि मैं तो दूल्हा बन के फिरूंगा, है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए जी, अनिल भाई से मिल के अभी मैं जा रहा हूँ पल्ले बाजार की तरफ, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत काम निपटाने हैं, तो चलिए निकलते हैं अभी। और चलिए जी, बाजार का थोड़ी बहुत काम मैंने निपटा दिया है, थोड़ा बहुत काम और बचा हुआ है। इनके यहाँ से भाई मैंने सामान लेना था, मुझे लगता है कि भाई अभी थपलियाल जी लंच करने के लिए चले गए, क्योंकि लंच का भी टाइम हो गया। बाकी अपना अनिल बुला यहाँ पे भाई लगा है, व्यस्त है बिल्कुल, फ़ोन में बिजी हो रखा, ऐसा डूब रखा कि है। अब करे भी तो करे क्या भाई, आजकल ना मार्केट बिल्कुल एकदम सूना साना है। इस शादियों का सीजन आएगा तब अनिल बुला भाई बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाएगा, इसे मिलने के लिए फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। नहीं भाई।
तो चलिए दोस्तों, थोड़ी बहुत काम निपटा दिए हैं मार्केट के, थोड़ी बहुत काम बच गए हैं तो वो भाई शाम को करेंगे। अब हमारा मार्केट नजदीक है तो आना जाना लगा ही रहता। तो चलिए अभी भाई खाना खाने का टाइम भी हो गया तो खाना खा के आते हैं पहले घर से, फिर करेंगे और काम। तो ये देखिए भाई, अभी अभी भक्ति भुली भी आ गई है। हेलो, लव भी आ गया। नमस्ते करो पहले। नमस्ते। नमस्ते बोले। और ये देखो, ये हमारी भक्ति बहन है। हेलो। अरे एक छोटा है, लव और कुश दोनों आ गए भाई शादी के लिए। हाय करो सभी को। लो हेलो गाइस। ये देखो भाई, कुश इधर सो रहे आराम से, उठ गया अभी। इसलिए धीरे धीरे करके भाई सारे लोग घर पे आने लग गए और रौनक बढ़ने लग गई। और अभी भक्ति कर रही है दादी से मुलाकात। हेलो। और लव ये को देखो, किधर जाएंगे? इसका मुंह इतना भयंकर है भाई, क्या बोले। ये भी है, ये भी। कैमरा देख के उधर करा मुंह। अर्चना ने बना दिया इनका लंच, और लंच में है भाई आज राजमे की दाल और चावल। चलिए बढ़िया से भाई लंच करते हैं दिन का। तो चलिए जी, मस्त करके भाई दिन का लंच भी हो गया है। आपने क्या लंच? मैंने दो होटल निकाला है। क्या क्या खाया आपने लंच में? मैं तो पटाटा। पटाटा? क्या क्या बोल रहा, पता नहीं क्या बोल रहा। कि दादी खाई ली खाना? दादी के लेवल ना आज मिर्ची थोड़ी ज्यादा हो गई ने। पहले तो दादी बहुत मिर्ची खाती थी भाई, लेकिन अब जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा, क्या दादी कैपेसिटी खत्म हुई ने। बाकी भाई सारे लोग वही नए नए मेहमानों को मिल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये नया मेहमान है हमारा। तो चलिए दोस्तों, शाम के भाई 4:30 हो गए हैं और पूरे गांव की ना धूप भी चली गई है। बाकी भाई देखिए, भांजा राम आ गया तो आज से भाई खेल ही खेल होंगे घर में। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ये तो। बाकी माँ जी चाची लोग सारे लोग चले गए अपने अपने काम पे, लंच करने के लिए अभी आ रखे थे घर पे, अभी वापस चले गए हैं। ये पहली बार कैच पकड़ ली। उधर नहीं फेंकना था भाई, इधर फेंकना था। नहीं 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 नहीं, मैं लेके आऊंगा, रुक जा। तू नहीं, आप जाओ। पकड़ो 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 पकड़ो, स्पाइडरमैन आ गया। अरे बाप रे, ये। तो चलिए दोस्तों, अभी शाम के 5 बज गए हैं भाई, कब 5 बजे पता ही नहीं चला, बच्चों के साथ खेलते खेलते। और अभी भाई रूपाली बुल्ली ने हमें ले चाय ला दी, तो बढ़िया से इन खूबसूरत नज़ारों के साथ में चाय का मजा लेते हैं। तो शाम के अभी 6:30 बज गए हैं और देखिए भाई अभी तक भाई उजाला है और इतने बड़े दिन हो गए। देखिए दोस्तों, शाम का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। सामने लाल लाल बादल दिखाई दे रहे हैं। देखिए जी, अभी चाची भाभी और माँ जी बाजार जा रहे हैं, शादी का कुछ सामान आया है वो लेने के लिए, और साथ में देखिए भाई भांजा राम भी जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शाम के 8:30 बज गए हैं और माता जी लोगों ने भाई, चाची बड़ी लोगों ने जो थोड़ी बहुत सामान बचा हुआ था शादी का वो घर पे ला दिया है। बाकी कुछ और सामान कल भी आएगा। बाकी यहाँ पे अभी चल रही है भाई खाना बनाने की तैयारी। हमारे भाई छोटे छोटे मेहमान हैं जो शादी में आ गए, तो इनका भाई वेलकम है, स्वागत है। और एक मेहमान ये देखो यहाँ, हेलो अजय महाराज, अजय महाराज। वो फोन में इतना व्यस्त हो रखा, उसे अभी कुछ भी करो फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये देखो अंदर की बात करें तो ये देखो, भक्ति महारानी लगी है बर्तन धोने में, लगे रहो चलता रहेगा 8-10 दिन तक है। माता श्री वही अंदर सब्जी बना रही है, क्या सब्जी आज बहने? आलू गोभी मटर टमाटर
आगे कौन आज लगन आज रौनक आ गई आज से चार चांद लग गए हैं। अभी तो और लोगों का आना बाकी है। सबसे पहले भक्ति पहुंच गई। भक्ति के आते ही भाई पूरे घर में रौनक छा गई। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, और भाई थोड़ा बहुत ना कभी कभी कमेंट भी कर लिया करो, क्योंकि जब आप लोगों के कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने की। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड।